जी नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कदमजा में। आज देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता, प्रायिकता का होता है सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो आगे देखिए इसमें प्रायिकता को अपन नोट कर सकते हैं पी ई से भी नोट कर सकते हैं या पी ए से भी नोट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी अल्फाबेट अपन कोई सा भी अल्फाबेट यूज में ले सकते हैं, अधिकतर पी ई और पी ए यूज में लेते हैं। तो आगे देखिए प्रायिकता का मान कितना हो सकता है। तो प्रायिकता का मान आपके जैसे कि पी ई है तो पी ई का मान आपके 0 के बराबर या 1 के बराबर हो सकता है। इसके अलावा प्रायिकता का मान 0 से तो होगा बड़ा और 1 से होगा छोटा, यानी कि 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। यानी कि कैसे, जैसे 0 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, अंततः लास्ट में 1 मान हो सकता है, मतलब यही प्रायिकता के मान हो सकते हैं। इसके अलावा ये किस प्रकार से आए वो भी देख लीजिए एक बार। जैसे प्रायिकता यहाँ अनुकूल परिणाम है बटा कुल परिणाम है, तो आपके पास अनुकूल जो परिणाम है वो तो होगी आपकी छोटी संख्या, वो कैसी होगी संख्या, आपकी छोटी संख्या होगी, और जो आपके कुल परिणाम है वो होगी बड़ी संख्या। जब आपके ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो तो आपके इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, ये बीच वाले परिणाम प्राप्त होंगे। जब आपके ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो तब आपके 0. कुछ वाले परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन आपका ये एक परिणाम है ये कब प्राप्त होगा, जब आपके ऊपर भी वही संख्या हो जैसे 5 हो और यहाँ भी कितनी हो 5 हो, तो 5 से 5 कटेगा, यहाँ क्या आएगा 1, यानी कि ऊपर भी वही परिणाम होगा जो नीचे दिया गया होगा, दोनों ही समान परिणाम होंगे तब आपके पास 1 आएगा। अब देखते हैं आपके पास में 0 तो मान कब होगा और 1 मान कब होगा, ये दोनों ही परिणाम कब प्राप्त होंगे आपको, जब प्रायिकता का मान 0 और 1 प्राप्त होगा तब। ये तो प्राप्त होगा जब असंभव हो कोई भी काम, जैसे कि अभी बता रहे हैं आपको, ये तो होगा जब असंभव हो, जब 1 कब प्राप्त होगा जब संभव हो, ठीक है। तो ये किस प्रकार की प्राप्त होंगे, जैसे कि आपके पास मान लीजिए 5 गोलियां नीली है, नीली गोली कितनी है 5 है, उसी प्रकार से 5 ही कितनी है आपके पास में लाल गोली है। अब आपको यूं कहे कोई क्वेश्चन में आपको कि मान लीजिए 5 नीली है 5 लाल है, आपको इनमें यूं कहे कि आपको इनमें से पीली गोली निकालनी है, तो ये ऐसा करना असंभव है क्योंकि इनमें 5 तो नीली है 5 लाल है, पीली एक भी नहीं है, तो यहाँ से ऐसा असंभव कार्य है। इसलिए इसके लिए क्या आता है 0 आता है, और वो किस प्रकार से आएगा, क्योंकि अनुकूल परिणाम 0 है और कुल परिणाम 5, और 5 कितना होगा 10, तो बराबर में क्या आता है आंसर आपके 0, जो कि असंभव के लिए हुआ। अब देखते हैं संभव के लिए यानी एक परिणाम कब प्राप्त होता है। जब आपको मान लीजिए यही क्वेश्चन है और इसमें से ये कहे आपको, जैसे कि मान लीजिए 5 नीली है ये 10 नीली है, टोटल कितनी है 10 नीली गोलियां दी हुई है, आपको यूं कहे क्वेश्चन कि आपको नीली गोली निकालने की प्रायिकता बतानी है, तो नीली गोली कितनी है 10, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा आपके पास में 10, और टोटल भी कितनी है आपके पास में 10, तो इनमें 10 में इसका भाग दिए 10 का, तो आपके पास में 1। तो इस प्रकार से ये संभव परिणाम है और ये असंभव परिणाम है। जब 1 आता है तब असंभव, 0 आता है जब 0 आता है तब असंभव, 1 आता है तब संभव परिणाम प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता हो और प्रायिकता नहीं हो का योग भी कितना होता है 1 होता है। जैसे कि प्रायिकता ई और प्लस प्रायिकता ई नहीं, इसका योग भी कितना होता है आपके पास में 1 होता है, और ई नहीं को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये तो हो गया प्रायिकता ई। अब इसी प्रकार से यहाँ पे पी ई नहीं को यहाँ से एक बार यानी ई के ऊपर एक नोड लगाएंगे यानी बार लगाएंगे, तो इसको नहीं वाला ये बताता है कि ये पी नहीं है, यानी प्रायिकता नहीं है का योग कितना होगा आपके पास में हमेशा 1 होता है। अब आपको मान लीजिए आपके पास में प्रायिकता हो इसका परिणाम दे, जैसे कि प्रायिकता हो का परिणाम कितना दे दिया आपके पास में 0.35 दे दिया आपके पास में, तो आपको यहाँ से वो पूछे कि प्रायिकता नहीं हो का मान निकालिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे पी की जगह आप क्या रखेंगे 0.35 रखेंगे, और आपको निकालना क्या है पी ई नहीं का परिणाम निकालना है, बराबर में आपको दिया, आपको पता है सूत्र में क्या होता है 1 होता है, तो 0.35 को 1 के पास में भेजिए उधर, यहाँ से पी ई नहीं बराबर 1 माइनस 0.35 इधर प्लस का था वहाँ जाके माइनस का होगा, तो 0.35। अब पी ई नहीं का मान कितना आ गया आपके पास में 0.65 इसका मान आ गया पी ई नहीं का। इसी प्रकार से आपको पी ई नहीं का मान दे दें और आपसे पूछ ले कि प्रायिकता का मान बताइए, तो आप पी ई का मान यहाँ रखना और इसको 1 के पास में भेजना और 1 में से माइनस कर देना।
अब देखिए प्रायिकता किस प्रकार की नहीं हो सकती, एक तो प्रायिकता इस प्रकार की नहीं हो सकती जैसे कि 2.5, 3.5, 4.5, मतलब एक से ज्यादा यदि आपके पास संख्या आ रही है तो ऐसी वाली प्रायिकता नहीं होगी, और एक आपके पास में माइनस वाली प्रायिकता नहीं होगी, मतलब प्रायिकता का मान माइनस नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका यदि आप बड़ी संख्या ऊपर दे दे, यदि आपके आंसर में बड़ी संख्या ऊपर आए और छोटी संख्या नीचे आए तो ऐसी भी प्रायिकता नहीं होगी। इन ये परिणाम प्रायिकता के गलत है, आपको संकेत दे रहे हैं गलत है, आपके मात्र परिणाम इस प्रकार के आ सकते हैं या इस प्रकार के छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या। कुल परिणाम देखना है आपको और अनुकूल परिणाम देखना है, बिल्कुल आसान प्रश्न वाली है। आइए आगे देखते हैं। अभी आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आपके पास पूछा जा सकता है कि सिक्के से संबंधित क्वेश्चन, पासे से संबंधित क्वेश्चन, ताश से संबंधित क्वेश्चन या गोलियों से संबंधित क्वेश्चन, इसी प्रकार कोई संख्याएं भी दी गई हो तो उनसे भी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले सिक्के से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए आपको दे दे कि एक सिक्का, सिक्के को क्या बोलते हैं, जैसे कि एक सिक्का है, सिक्के के कितने आधार कितने होते हैं पृष्ठ, उसके एक होता है हेड, एक होता है टेल, जैसे कि HEAD हेड, TAIL टेल, एक होता है हेड एक होता है टेल। तो इसमें शॉर्ट रूप से हेड को तो H लिख सकते हैं, टेल को T लिख सकते हैं। एक सिक्का जाएगा ऊपर या तो हेड बनेगा या वो टेल बनेगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक सिक्का यदि उछाला जा रहा है तो उसके कितने परिणाम आ सकते हैं आपके पास, या तो हेड आएगा या आपके पास में टेल आएगा। अब हेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, हेड को बोलते हैं हिंदी में चित, और टेल को क्या बोलते हैं पट। याद रखना, या तो हेड बता सकता है या टेल बता सकता है, इसको चित कहते हैं हेड को और टेल को पट कहते हैं। अब देखिए आपके पास में एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का यदि उछाला गया तो टोटल परिणाम कितने आया आपके पास में, टोटल परिणाम आया आपके पास में 2, यानी कुल परिणाम। प्रायिकता का फॉर्मूला देखिए आप, प्रायिकता का फॉर्मूला अभी बताया आपको, PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देखिए आपके पास में ऐसा कोई सूत्र है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, तो अनुकूल परिणाम तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो होंगे, और कुल परिणाम क्या होंगे आपके पास में, इसमें कुल परिणाम होंगे 2। यदि आपसे पूछ रहा है कि एक सिक्का उछाला जा रहा है तब तो कुल परिणाम 2 होंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास में 2 सिक्कों की बात करें कि आपके पास में 2 सिक्के उछाले गए, या तो 2 सिक्के उछाले गए या एक सिक्का दो बार उछाला गया, दोनों बात एक ही है। कैसे है, यदि 2 सिक्के जाएंगे तो भी 2 प्रोसेस होंगी, यदि एक सिक्का 2 बार जाएगा तो भी 2 प्रोसेस होगी। तो इस प्रोसेस में कितनी बार कुल परिणाम आते हैं, तो यहाँ से देखिए आपके पास में एक तो आ सकता है हेड या आ सकता है टेल, एक बार आ सकता है आपके पास में टेल, एक बार आ सकता है आपके पास में हेड, एक बार हेड आ सकता है वापस हेड आ सकता है, एक बार आपके पास में टेल आ सकता है और एक बार वापस आपके पास में टेल आ सकता है। तो इस प्रकार आपके कुल परिणाम कितने आए, यहाँ पे कुल परिणाम आए आपके पास में 4। अब देखिए आगे आपके 3 सिक्के की बात करें, वो कि 3 सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के उछाले गए या एक सिक्का 3 बार उछाला गया, या एक सिक्का 3 बार उछालना, तो इस प्रक्रिया में कितने परिणाम आएंगे कुल। तो इस प्रक्रिया में कुल परिणाम देखिए आपके पास में, यहां से हेड 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 हेड, यानी आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। जैसे कि लिखने का क्या तरीका है, इसको यदि आप लिखना चाहें तीन परिणाम, 3 सिक्के या एक सिक्का 3 बार उछाला गया, तो यहां से लिखिए हेड 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 हेड, 4 बार तो आ गए, टेल 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 टेल, 4 बार टेल आ गए। अब लिखिए हेड हेड हेड, टेल टेल, और फिर वापस हेड हेड, फिर वापस टेल टेल। अब आपको लिखना हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, यानी कि आपके पास में पहले 4 बार हेड आ गया, फिर 4 बार टेल आ गया, फिर आपके पास में 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एक एक बार आपके पास में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे टोटल परिणाम आपके पास में कितने आ गए, आपके पास में टोटल परिणाम आ गए 8, यानी कि
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यानी कि यहाँ कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपके पास में आठ, और ऊपर यदि अनुकूल परिणामों की संख्या आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो वो आपको अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ से क्वेश्चन से निकालनी है और कुल परिणाम यहाँ से आएंगे आठ। अब देखते हैं पासे की बात, आपके तीन सिक्के तक के क्वेश्चन आएंगे। अभी आपको बताया कि एक सिक्के को उछालने पर आपके पास कुल परिणाम दो आएंगे, दो सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम चार आएंगे, तीन सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम आठ आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए एक सिक्का एक ही बार उछाला जा रहा है तो कुल परिणाम कितने होंगे आपके पास में दो। तो ये आपके पास सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र में देखिए पी यहाँ पे लिख सकते हैं पट आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे पट लिख दिया बराबर। अनुकूल परिणाम कितने हैं पट आने की प्रायिकता, पट कितनी बार आ सकता है यहाँ से, एक ही बार आ सकता है पट, ये देखिए एक ही बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम तो एक हो गए बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम आपके पास कितने हैं दो, तो यहाँ से एक बटा दो इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो कम से कम चित आने की प्रायिकता, यानी कि एक सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है दो बार, देखिए यहाँ से एक सिक्के को दो बार उछालना कितने परिणाम आपके पास में टोटल चार है, तो पीई यहाँ लिख सकते हैं पीई बराबर कुल परिणाम तो आपके पास में चार हो गए क्योंकि एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि कम से कम चित आने की प्रायिकता, तो कम से कम के लिए यानी कि एक बार तो यहाँ आ गया चित, चित को बोलते हैं एच, एक बार यहाँ आ गया चित, एक बार यहाँ आ गया चित, यहाँ पे चित नहीं है तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास में तीन, तो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास में तीन बटा चार। आगे देखते हैं अब देखते हैं पासा, पासा क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले पासा एक छः पृष्ठों का एक इस प्रकार की कोई आकृति होती है जिसमें छह पृष्ठ होती है और प्रत्येक पृष्ठ पर अलग अलग अंक लिखे होते हैं, जैसे एक भी होता है तीन दो तीन चार पाँच छः, यानी कि ये छह अंक लिखे हुए होते हैं, यानी कि इसकी छह पृष्ठ होती है और छह पृष्ठों पर इतने अंक लिखे हुए होते हैं। यदि आपको मान लीजिए एक पासे से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, एक पासे को फेंकने पर फेंकते हैं तो उसमें कुल परिणाम कितने आते हैं, तो एक पासे में तो टोटल परिणाम छह ही आएंगे, एक को एक पासा फेंकेंगे तो कोई सा भी परिणाम आ सकता है, यानी कुल परिणाम तो यहाँ तो क्या हो गए, यहाँ कुल परिणाम हो गए आपके पास में छः। यदि मान लीजिए आपके पास में दो पासे हो, कितने हो दो पासे हो, तो दो पासों के लिए कुल परिणाम क्या होंगे वो देखिए, दो पासों के लिए आपके कुल परिणाम होंगे 36। कैसे होंगे वो देखिए, जैसे कि पहले एक यहाँ से लिखिए एक एक, फिर एक दो, फिर एक तीन, एक चार, एक पाँच और एक छः। इसी प्रकार आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब दो से स्टार्ट करना है, फिर तीन से स्टार्ट करना है, फिर चार से, फिर पाँच से, इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं, दो एक दो 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 तीन दो चार दो पाँच दो छः, इसी प्रकार से आगे तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पाँच और तीन छः। आगे लिख सकते हैं चार एक चार दो चार तीन चार 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 पाँच चार छः, आगे पाँच एक पाँच दो पाँच तीन पाँच चार पाँच पाँच, आगे लिखेंगे पाँच छः। इस बार लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, छः एक छः दो छः तीन छः चार छः पाँच और छः छः। तो आपके पास में कुल परिणाम कितने आ गए, अभी आपके पास में कुल परिणाम आ गए 36। तो आपको दो पासे जब फेंकने के क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपके कुल परिणाम क्या होंगे, आपके कुल परिणाम होंगे 36। अब देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, जैसे कि आपको दो पासे हैं या एक पासे को दो बार फेंका गया या दो पासों को अलग अलग तरीके से फेंका गया, तो उसके उपरांत क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे कि ऐसे दो अंक बताइए जिनके ऊपर इनका योग सात हो, या ऐसे परिणाम जिनका योग सात हो, जैसे कि एक और छः इनका योग कितना हो रहा है सात, दो और पाँच का योग भी सात, तीन और चार का योग सात, चार तीन का योग सात, ऐसे ही पाँच दो का योग सात और छः और एक का योग सात। तो ये ऐसे परिणाम है जिनका योग कितना आ रहा है सात आ रहा है, तो ये अनुकूल परिणाम हो गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि अनुकूल परिणाम तो हो गए आपके पास में छः, और कुल परिणाम कितने हैं आपके 36। तो अब देखेंगे छः को काटेंगे, छः कम छः छत्तीस 36, यानी कि आपका आंसर हो गया एक बटा छः। जब बात हो इनका परिणामों का योग कितना हो सात हो, तो उसके लिए आंसर हो गया आपके पास में एक बटा छः। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको यूँ कहे कि इनके
ऐसे परिणाम बताइए जिनका योग कितना हो, चार हो। तो जिनका योग चार है ऐसे परिणाम कौन कौन से हैं? एक तो है एक तीन, एक है दो और दो, एक है तीन और एक, इनका योग कितना हो रहा है? चार हो रहा है। और बाकी जो अंक है, बाकी जो नंबर है, उनका योग किसी का योग चार नहीं हो रहा। तो एक तो यहाँ आ रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, इनका योग कितना हो रहा है? चार हो रहा है। तो ऐसे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? ये अनुकूल परिणाम है तीन, ये तीन परिणाम है। और वैसे कुल परिणाम कितने आपके पास में? 36। इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 1/12, ये इसका आंसर होगा जब आपको योग मान लीजिए चार दिया गया हो। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं ताश। ताश में होते हैं 52 पत्ते, 52 में 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। इसी प्रकार से कालों में दो रूप होते हैं, एक तो था हुक्कुम, यानी 13 तो होते हैं हुक्कुम और 13 होती है चिड़ी। तो इन 13 हुक्कुम में देखिए अलग अलग होते हैं, यानी कि इक्का, फिर बादशाह, फिर बेगम, फिर गुलाम। ये तो होते हैं एक एक, इक्का भी एक, बादशाह भी एक, बेगम भी एक और गुलाम भी एक। और जो 10 से 9 तक, यानी नैली से नैली, अट्ठी, सत्ती, ये पत्तियाँ होती हैं 9। तो ऐसे टोटल कितनी होगी? 13। इसी प्रकार से चिड़ी में भी ये टोटल होती है 13। इसी प्रकार 13 लाल पान कितने होते हैं आपके पास? 13। इक्का, बादशाह, क्वीन, बेगम और गुलाम, ये सब कितने होते हैं? 13। और 10 से लेकर 2 तक पत्ती 9 होती है, टोटल 13 होगा। इसी प्रकार 13 ईंट होती है, तो यहाँ से भी 13 टोटल होती है। आइए इन पे क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे कि मान लीजिए आपको यूँ पूछ लें कि 52 ताश की गड्डी में आपके पास काले पत्तों की प्रायिकता बताइए। तो बताइए इसमें काले पत्ते कितने हैं आपके पास में? काले पत्ते हैं 26। तो इसके अनुकूल परिणाम तो हो गए आपके पास में 26, और कुल परिणाम आपके पास में 52 है। तो यहाँ से आ गया 1/2, यानी 26 को 26 एकम 26, 26 दूने 52, तो आंसर हो गया इसका 1/2। इसी प्रकार से मान लीजिए वो आपको पूछ ले कि 52 ताश की गड्डी है, इसमें आपको इक्को की प्रायिकता बतानी है। तो इक्के देखिए कितने हैं इसमें? इक्के हैं आपके पास में 1, 2, 3 और ये 4। इक्के आपके पास में कितने? 4। तो यहाँ से अनुकूल परिणाम तो 4 होगा, टोटल परिणाम 52। तो यहाँ से इसको करेंगे, काटेंगे, 4 एकम 4, नीचे कितना बच गया? 4 एकम 4 थी 12, यानी 1/13 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसमें आगे के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछ ले कि लाल पत्तों की संख्या बताइए, लाल पत्तों की संख्या कितनी इसमें? 26, तो 26/52 कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें पूछ ले कि जो संख्या जो अंक में है उन पत्तों की प्रायिकता बताइए जो अंकों में है। तो अंकों में यहाँ से देखिए 9, 9, 18, 9, 27, 9, 36, यानी 36 पत्ते अंकों में है, 36/52 काटेंगे 18, यहाँ आ गया 26, फिर काटेंगे 9, यहाँ आ गया 13, यानी कि 9/13 इसका आंसर हो गया। तो देखिए इसी प्रकार से आप अलग अलग क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अलीप वर्ष और लीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन। अलीप वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीप वर्ष में आपके 29 फरवरी भी सम्मिलित होती है, लेकिन अलीप वर्ष में 29 फरवरी सम्मिलित नहीं होती, एक दिन कम होता है। तो इसलिए यहाँ 365 हो गए, यहाँ 366 हो गए। देखिए क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, तो उसमें देखिए सबसे पहले आपके पास सप्ताह कितने होंगे। तो एक अलीप वर्ष में दिन कितने होते हैं आपके पास में? एक अलीप वर्ष में आपके पास में दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। अब 365 में से आपके पास सप्ताह कितने होते हैं? तो सप्ताह निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 365 में 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे तो आपके पास में आएंगे 52 सप्ताह आएंगे और एक दिन शेष बचेगा। वो कैसे बचेगा? देखिए यहाँ से 365 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 1 × 7 = 14, यानी 1 तो शेषफल बच गया और 52 टोटल सप्ताह आ गए, 52 तो सप्ताह आ गए और एक दिन शेष बच गया। तो 52 तो क्या आएंगे आपके पास में? सप्ताह। तो 52 इसमें 52 में क्या क्या आ सकते हैं आपके पास? जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब कुछ 52 आएंगे। उसके अलावा एक दिन जो शेष बचेगा उस दिन आपके पास संडे भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है। मान लीजिए लास्ट का दिन आपके पास क्या हो, ये संडे दिया गया हो, संडे मान लीजिए आपके पास में 53 बार आ गया, और संडे 53 बार आ गया, 52 बार क्या आ गया? मंडे आ गया, फिर 52 बार क्या आ गया आपके पास में? ट्यूसडे, फिर 52 बार आपके पास में वेनेसडे, 52 बार आपके पास में आ गया थर्सडे, फिर 52 बार आपके पास में फ्राइडे, फिर 52 बार आपके पास में सैटरडे आ गया। ऐसे मान लीजिए लास्ट के दिन क्या आया? संडे। संडे ना आकर मान लीजिए मंडे आ जाए, फिर ट्यूसडे आ जाए, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, फिर लास्ट में आपके पास संडे, संडे को ऐसे उससे कट दीजिए, लास्ट में आपके पास में संडे, फिर मान लीजिए आपके पास में ट्यूसडे आए, फिर वेनेसडे, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, संडे आ जाए, फिर लास्ट में क्या आ जाए, मंडे आ जाए। इसी प्रकार से आगे देखिए, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। देखिए यहाँ से फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, यहाँ से थर्सडे। लास्ट देख लीजिए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, यहाँ से फ्राइडे। यानी कि इसमें क्या हुआ कि आपके पास 53 बार जब आपके पास में संडे आए तब तो आपको उसको लेना नहीं है, लेकिन आपको लेना कितनी बार है, 52 बार। तो 52 बार संडे कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ तो कितनी बार आ रहा है, 53 बार, लेकिन जो ये लाइन है उसमें संडे कितनी बार आ रहा है आपके पास में, 52 बार आ रहा है। यहाँ भी कितनी बार, 52 बार, यहाँ भी 52 बार आ रहा है, यहाँ भी संडे 52 बार, यहाँ भी संडे 52 बार, ऐसे ही संडे यहाँ भी 52 बार आ रहा है। तो ये टोटल कितनी बार हो गए आपके पास में, टोटल हो गए आपके पास में 6 बार, और आपके पास में टोटल अनुकूल कुल परिणाम कितने दिए हैं आपके पास में, 7, और संडे कितनी बार आ रहा है आपके पास में, 6। तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर अनुकूल परिणाम तो 6 और टोटल परिणाम कितने हो गए, 7। तो आंसर इसका हो गया 6/7। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आपके प्रश्न वाला 18.1 और उदाहरण। मैं आपके कंप्लीट क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको उन क्वेश्चनों में से 1 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 4 नंबर के आएंगे। आपको उन सभी को सोल्व करना है, ज़्यादा बड़ी प्रश्न वाली नहीं है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी के आगे आपको रोड सेफ्टी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे PUC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और CCTV से संबंधित प्रतिक्रिया दूरी, अवरोध दूरी, बराबर रुकने की दूरी, समांतर श्रेणी, सिग्नल के अंतिम पेज पर जो आपके सारणी दी हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन, ये टोटल जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बोर्ड पे 1 नंबर के प्लस 1 नंबर के प्लस 2 नंबर, यानी टोटल 4 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों में से भी आप बढ़िया 4 नंबर ला सकते हैं, ज़्यादा मेहनत की इनमें आवश्यकता नहीं है, आप एक बार इनको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन बढ़िया नंबर चार नंबर आप इनमें ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।